तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रितिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में अंतर क्या होता है, यानी सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, जैसे एम्बेसी क्या होती है, या एम्बेसडर कौन होता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो बेसिकली एम्बेसी होती क्या है कि मान लीजिए कल को किसी पर्सन को इंडियन गवर्नमेंट से कुछ काम है और वो अमेरिका में रहता है, तो ये थोड़ी ना हो कि वो अमेरिका से पहले इंडिया आएगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसा ना हो, इंडियन गवर्नमेंट अपने कुछ ऑफिस को हर देशों में स्टैब्लिश कर देती है, उन ऑफिसेस को हम एम्बेसी कहते हैं, और एम्बेसी बहुत ज्यादा बड़ी एक एरिया होता है जहां पर वो गवर्नमेंट अपना ऑफिस बनाती है, और उस ऑफिस का एक हेड होता है जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, हिंदी में उसको हम राजदूत भी कहते हैं, और एम्बेसी को हिंदी में दूतावास भी कहा जाता है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा। और मैंने आपको यही बताया था कि उस एम्बेसी में दो प्रकार के लोग काम करते हैं, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है और वो यूएसए में स्टैब्लिश है, तो उसमें कुछ इंडियंस भी काम कर रहे होंगे और कुछ यूएस के पर्सन भी काम कर रहे होंगे, उनको पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही होगी, तो इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन एम्प्लॉयज को पैसा देगी और जो इंटरनेशनल मतलब और जो यूएसए के एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं उनको जो पैसा देगी उसमें से हम किसको अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, यहाँ आज उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, अब जब वो नॉर्मल रेजिडेंट है तो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, और जो ये फॉरनर है यूएसए में जो रहने वाले लोग हैं इनको जो पैसा दिया जा रहा है ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, जिसके कारण से इनको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक उसी में जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके भी कुछ ऑफिसेस हर कंट्रीज में होते हैं, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि सारी कंट्रीज में, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीज में होते हैं, जहां भी होते हैं वहां भी दो प्रकार के लोग काम करते हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग होते हैं जो बाहर से आके वहां रहते हैं उस कंट्री पर वहां काम करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो उस कंट्री के ही लोग होते हैं और वहां वो उनको जॉब देती है, यानी एक तरीके से ये आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है, तो उनको भी पैसा मिलता है। तो वो जो पर्सन वहां उस कंट्री में रह रहा है वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करेगा तो वो बेसिकली हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, अब जब वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है तो उसके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाएगी ना वो हमारे देश की नेशनल इनकम का ही पार्ट होगा। तो आई होप आपको भी समझ आया होगा कि बेसिकली एम्बेसी और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो दो प्रकार के लोग काम कर रहे हैं उसमें से किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि ये सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी में बेसिक अंतर क्या होता है। तो भारत के सामान्य निवासी और भारत के गैर निवासी, तो पहला आता है आपका कि भारत में स्थित दूतावास में काम करने वाले भारतीय। तो दूतावास का मतलब होता है एम्बेसी, जिसको मैंने अभी आपको समझा दिया कि एम्बेसी में दो प्रकार के लोग काम करते हैं, एक भारतीय लोग भी काम कर रहे होते हैं और दूसरे फॉरेन कंट्री के लोग भी काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए इंडिया में एम्बेसी है किसी दूसरे कंट्री की, तो उस एम्बेसी में इंडियन लोग भी होंगे और फॉरनर भी होंगे, यानी विदेशी लोग भी होंगे। तो उस एम्बेसी में जो इंडियन लोगों को पैसा मिलेगा बाहर के दूसरी गवर्नमेंट से, तो उसको हम अपने राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक उसी में इसमें बताया कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, यानी सामान्य निवासी कहलाएंगे। हम सामान्य निवासी उनको इसलिए कह रहे हैं ताकि उनके द्वारा जो आय इनकम कमाई जाए उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लें। कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी, जैसे यूएसए की एम्बेसी हमारे इंडिया में होती है ना, ठीक उसी तरीके से हमारे इंडिया की एम्बेसी भी दूसरे कंट्रीज़ में होती है, लाइक कनाडा और जापान में इंडियन एम्बेसी होगी, वहाँ इंडियन लोग भी काम कर रहे होंगे और फॉरनर भी काम कर रहे होंगे, उनको पैसा वहाँ कौन दे रही होगी, भारतीय सरकार दे रही होगी। तो भारतीय सरकार द्वारा उन लोगों को पैसा दिया जा रहा होगा फॉरनर्स को, उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश के गैर निवासी है, यानी सामान्य निवासी नहीं है, और हम राष्ट्रीय आय में केवल सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित करते हैं, बट वहाँ जो इंडियंस काम कर रहे होंगे ना उनकी इनकम को हम अपने देश के राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, ये भी वही इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में दो प्रकार के लोग काम करते हैं, कुछ भारतीय होते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोग होते हैं। तो भारतीय अगर कोई WHO की ब्रांच इंडिया में है और उसमें कुछ इंडियंस भी काम कर रहे होंगे और फॉरनर भी, तो जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनको जो पैसा मिलेगा उसको हम सामान्य निवासी मानकर अपने देश की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लेंगे। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, अगर उसी संगठन के अंदर कोई विदेशी लोग काम कर रहे हैं जो इंडिया में जिसकी ब्रांच है, उनको जो पैसा मिलेगा उसको हम अपनी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन है, गैर निवासी है। अगला आता है भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपको यहाँ IMF की डिफाइन भी दे रखी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है,
कि कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग, यानी मान लीजिए IMF की एक ब्रांच इंडिया में है, उसमें लोकल लोग काम कर रहे हैं, लोकल मतलब हमारे इंडिया के लोग ही काम कर रहे हैं, तो IMF उनको पैसा भी देगा क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि जो उनको सर्विस देने के बदले में आय मिल रही है उसको हम कौन सी आय कहेंगे, फैक्टर इनकम कहेंगे, ट्रांसफर इनकम कहेंगे, यानी कारक आय कहेंगे या हस्तांतरण आय कहेंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखना। ठीक उसी प्रकार में जब IMF में काम करने वाले इंडियंस को जो पैसा मिलेगा वो हम अपनी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे, क्योंकि वो कौन है, हमारे देश के सामान्य निवासी है और राष्ट्रीय आय में केवल सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले जर्मन निदेशक, ठीक उसी में ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला एक एग्जाम्पल है, जिसमें फॉरेन लोग इंडिया में जो IMF की ब्रांच है उसमें काम कर रहे हैं तो उनको कुछ पैसा भी मिल रहा होगा, तो उनको जो पैसा मिल रहा होगा ना उनको हम अपनी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन है, गैर निवासी है, और गैर निवासी को हम अपनी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो अगला पॉइंट है शेष विश्व में भारत का राजदूत। अब ये राजदूत कौन होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं, यानी इंडियन एम्बेसी का जो मेन हेड होता है, इंडियन एम्बेसी जो बाहर की कंट्रीज में है, विदेशों में है, वहाँ का जो मेन हेड होता है उसको राजदूत कहा जाता है। तो राजदूत जो इंडियन एम्बेसी का है उनको पैसा इंडियन गवर्नमेंट दे रही होगी, और मैंने आपको बताया था कि जो एम्बेसी होती है ना वो किसी भी देश की सबसे वफादार एजेंसी होती है। क्यों, क्योंकि वो रहती दूसरे देश में है, बट वहाँ जो इंडियंस को पैसा मिलता है ना उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते, तो इनको सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही होगी वो हम अपने राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सामान्य निवासी है। भारत में शेष विश्व के राजदूत, ठीक उसी वे में और जो एम्बेसी है लाइक जापान कनाडा की एम्बेसी इंडिया में भी होगी, तो उन भी कोई ना कोई एम्बेसडर यानी राजदूत होगा, तो उनको भी जापान की गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रही होगी, तो उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सामान्य निवासी नहीं है, वो कौन कहलाएंगे, गैर निवासी कहलाएंगे। भारत में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, अगर इंडिया में कोई विदेशी नागरिक एक साल से ज़्यादा रह रहा है, बट इसकी शर्तें क्या है, कि वो इंडिया में ना तो किसी अध्ययन यानी पढ़ाई के लिए आए हो और ना ही किसी चिकित्सा यानी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो, अगर इन दोनों के अलावा वो इंडिया में आया है और इंडिया में एक साल या एक साल से ज़्यादा रह चुका है, तो वो व्यक्ति भी, विदेशी व्यक्ति भी क्या बन जाएगा, हमारे भारत का नागरिक बन जाएगा यानी सामान्य निवासी बन जाएगा। तो वो व्यक्ति इंडिया में जो भी इनकम अर्न करेगा ना उसको हम अपने देश की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। भारत में एक वर्ष से कम अवधि के लिए काम कर रहे विदेशी तकनीक विशेषज्ञ, अब होता क्या है कि जब हम बाहर की कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं तो उसको सिखाने के लिए बाहर के लोग हमारे इंडिया में आते हैं, अगर वो व्यक्ति इंडिया में एक साल से कम रह रहा है तो वो व्यक्ति हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा, वो गैर निवासी कहलाएगा। तो वो जो भी इनकम इंडिया में अर्न करेगा ना उसको हम अपने राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करेंगे, बट अगर वही व्यक्ति इंडिया में एक साल से ज़्यादा रह जाता है ना तो उसके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाएगी ना वो हमारे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये सामान्य निवासी और गैर निवासी में बेसिक अंतर क्या होता है। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि ये नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।